अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा आसिफ। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के इश्तराक से पेश किया जाता है। नाज़रीन, इस हफ्ते भी हम चीन के मुख्तलिफ मैदानों में तरक्की का जायजा लेंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स प्रोग्राम में शामिल हैं, तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान लंजन ने खैबरपख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वाकई की मजम्मत कर दी। उन्होंने मुतासरीन के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। दासू हाइड्रो पावर स्टेशन प्रोजेक्ट की गाड़ी को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था। 27 मार्च को चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान लेंजियन ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा में दासू हाइड्रो पावर स्टेशन प्रोजेक्ट की एक गाड़ी को रास्ते में दहशतगर्दी के हमले का निशाना बनाने के वाक़े के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम दहशतगर्दी की इस कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हैं, मुतासरीन के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं और मुतासरीन के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। चीन ने इस वाक़े पर अपना पुख्ता मौक़िफ़ जाहिर किया है। इस वाक़े के बाद चीनी वजारत खारजा और पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने ने फौरी तौर पर हंगामी तरीक़ाकार को फाल किया और बीजिंग और इस्लामाबाद में पाकिस्तानी फरीक से करीबी राब्ता किया। पाकिस्तानी फरीक से दरख्वास्त की कि वो जिम्मेदारों की गिरफ्तारी के लिए फौरी इकदाम करे और वाक़े में मुलव्वस अफराद की कड़ी सजा को यकीनी बनाए। लेंजियन ने कहा कि चीन पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। चीन और पाकिस्तान चारों मौसमों के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। इनकी आनी दोस्ती दोनों ममालिक के अवाम के दिलों में बसती है। चीन पाक तावुन को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीन पाकिस्तान की इक्तसादी और समाजी तरक्की और लोगों के मेयार जिंदगी में बेहतरी की हिमायत जारी रखेगा। यौम पाकिस्तान के मौके पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एजाजी गार्ड के वफद ने परेड में शिरकत की। तर्जमान चीनी वजारत खारजा लेंजियन का प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि परेड में शिरकत चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुनफरिद और गहरी दोस्ती की कासी करती है। 25 मार्च को चीनी वजारत खारजा के तर्जमान लेंजियन ने यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एजाजी गार्ड के एक वफद ने 84वें यौम पाकिस्तान के मौके पर 23 मार्च को पाकिस्तान के दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में मुनक़िदा फौजी परेड में शिरकत की। ये शिरकत चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुनफरिद और गहरी दोस्ती की मुकम्मल अक्कासी करती है। लेंजियन के मुताबिक दोनों ममालिक और दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान तावुन के तहत दोस्ती और तावुन में कामयाबी की बहुत सी दास्तानें रकम हुई हैं। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एजाजी गार्ड के वफद की पाकिस्तान की फौजी परेड में शिरकत चीन पाक दोस्ती में एक नए सुनहरे बाब का इजाफा है। उनका मजीद कहना था कि चारों मौसमों के तस्वीराती शराकतदार और आहनी दोस्त की हैसियत से चीन की दिली तमन्ना है कि पाकिस्तान को कौमी तरक्की और खुशहाली के नस्बोलैन में मजीद नई और बड़ी कामयाबियाँ हासिल हों। चीनी वज़ीर आज़म ने बीजिंग में चाइना डेवलपमेंट फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में खिताब किया। लिन शियांग का कहना था कि चीन की मईशत में तरक्की का रुझान मुस्तहकम और मजबूत हो रहा है। चीन के वज़ीर आज़म ली शियांग ने 24 मार्च को बीजिंग में मुनक़िदा चाइना डेवलपमेंट फोरम 2024 की सालाना कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि गुज़श्ता साल चीन ने माशी और समाजी तरक्की के अहम अहदाफ को कामयाबी से मुकम्मल किया। उन्होंने कहा कि चीन की मईशत में तरक्की का रुझान मुस्तहकम और मजबूत हो रहा है और चीन की तवील मुदती इक्तसादी तरक्की की उमदा सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। चीनी वजीर आजम ने कहा कि चीन मुस्तकबिल में भी आला मयार की तरक्की को फरोग देगा और आलमी मईशत की बहाली और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत तवानाई फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि चीन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एडजस्टमेंट को तेज करते हुए मुल्की तलब को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करेगा, एक मुतहद कौमी मार्केट की तामीर को मजीद फरोग देगा और जदीद सनती निज़ाम की तामीर को तेज करेगा। रवां साल की सालाना कॉन्फ्रेंस का अहतमाम चीन की रियासती कौंसल के मरकज बराए तरक्याती तहकीक ने किया। इफ्तिताही तकरीब में वर्ल्ड बैंक के सरबराह और आलमी मालियाती फंड के सरबराह के अलावा चीनी और गैर मुल्की माहरीन, स्कॉलर्स, कारोबारी शख्सियात, हुकूमती हुकाम और बैन अल्कवामी इदारों के नुमाइंदों समेत तकरीबन 400 अफराद ने शिरकत की। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने चीन का पहला सरकारी दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने चीन के सूबा हैबी में फिजाई निगरानी के मरकज का भी दौरा किया। सूबा हैबी ने फिजाई आलूदगी से निमटने के लिए बैंक के साथ शराकत दार की है।
عالمی بینک کے صدر اجے بنگا نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہوا کے معیار کی نگرانی کرنے والے اسٹیشنوں کی اصل قدر صرف چین تک ہی محدود ہونے میں نہیں بلکہ ان کے دیگر ممالک میں بھی لاگو ہونے کی صلاحیت میں مضمر ہے۔ بنگا نے چین کے پہلے سرکاری دورے کے دوران شمالی چین کے صوبہ ہیبے میں فضائی نگرانی کے مرکز کا دورہ کیا۔ اس صوبے نے فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے ورلڈ بینک سے شراکت داری کی ہے۔ 2016 میں ورلڈ بینک نے ہیبے کے فضائی آلودگی کی روک تھام اور کنٹرول پروگرام میں مدد دینے کے لیے 500 ملین امریکی ڈالر کے قرض کی منظوری دی تھی۔ اس پروگرام کی مدد سے صوبے میں 2000 سے زائد بڑے صنعتی اداروں سے خارج ہونے والے مواد کی نگرانی کا نظام قائم کیا گیا۔ ہیبے چین کا پہلا صوبہ ہے جس نے فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے عالمی بینک کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اس طرح کے تعاون کے ماڈل کو مزید جگہوں پر فروغ دیا جائے گا۔ چین کی سول ایویشن ایڈمنسٹریشن کے اعداد و شمار کے مطابق ہوا بازی کی صنعت نے 2023 میں مضبوط ترقی دیکھی۔ چین میں بڑے ہوائی اڈوں کی تعداد میں بھی قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ چین کی سول ایویشن ایڈمنسٹریشن کے اعداد و شمار کے مطابق چین کی ہوا بازی کی صنعت نے 2023 میں مضبوط ترقی دیکھی اور چین میں بڑے ہوائی اڈوں کی تعداد میں قابل ذکر اضافہ ہوا۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 10 ملین سے زیادہ سالانہ مسافروں کی آمد و رفت کے حامل ہوائی اڈوں کی تعداد 38 تک پہنچ گئی ہے۔ مزید برآں ہانگ کانگ، مکاؤ اور تائیوان سمیت پورے چین کے ہوائی اڈوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 269 ہو گئی ہے۔ ان ہوائی اڈوں نے مجموعی طور پر تقریباً 1.26 بلین مسافروں کو سفری سہولیات فراہم کی اور 16.83 ملین ٹن سے زائد کارگو کی آمد و رفت کا انتظام کیا۔ چین میں سالانہ 2 ملین سے 10 ملین مسافروں کو سنبھالنے والے ہوائی اڈوں کی تعداد 36 ہو چکی ہے۔ اس کے برعکس چھوٹے ہوائی اڈوں کی تعداد جن پر سالانہ آمد و رفت 20 لاکھ سے کم ہے 185 رہ گئی ہے۔ چین میں گزشتہ برس کمرشل خلائی لانچ انڈسٹری میں غیر معمولی ترقی ہوئی۔ 2023 میں کل 13 میں سے 12 لانچز نے کامیابی کے ساتھ پے لوڈز کو اپنے مطلوبہ مدار میں پہنچا دیا۔ چین نے گزشتہ برس اپنی کمرشل خلائی لانچ انڈسٹری میں غیر معمولی ترقی دیکھی۔ راکٹ لانچنگ کی تعداد اور کامیابی کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ 2023 میں کل 13 لانچ کیے گئے، ان میں سے 12 نے کامیابی کے ساتھ پے لوڈز کو اپنے مطلوبہ مدار میں پہنچایا، جو چین کے کل سالانہ خلائی لانچ مشنز کا تقریباً 18% ہے۔ ان کمرشل لانچز کے پیچھے راکٹ کمپنیوں کا ایک جھرمٹ ہے، جو چین کے دارالحکومت بیجنگ میں یی چوانگ اکنامک اینڈ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ زون کی راکٹ سٹریٹ میں واقع ہے۔ یہ سڑک چین کے 3/4 سے زیادہ نجی راکٹ مینوفیکچررز کا گھر ہے، جو راکٹس پر تحقیق و ترقی میں مصروف ہیں۔ آج تک ملک کے 8 کامیاب کمرشل راکٹ ماڈلز میں سے 6 کا آغاز اسی علاقے سے ہوا۔ اورین سپیس ٹیکنالوجی، جو کہ 2020 میں اس زون میں آباد ہوئی، اس نے رواں سال جنوری میں اپنے گریویٹی 1 کیریئر راکٹ کی کامیاب لانچ کے ساتھ متعدد عالمی ریکارڈ قائم کیے۔ مضبوط تکنیکی اختراع کی مدد سے چین میں ایک مربوط گھریلو تجارتی خلائی صنعتی چین قائم ہو رہی ہے۔ دیگر صوبوں جیسے ہیبے اور شاندونگ میں بھی معاون تجارتی خلائی کمپنیاں تیزی سے ترقی کر رہی ہیں۔ چین نے گہرے سمندر میں تیل اور گیس کے آلات کی ترقی میں کور سنگ میل عبور کر لیا۔ چین نے تیار کردہ IG-2 ڈیپ واٹر جیکٹ کو کامیابی کے ساتھ سمندر میں اتار دیا گیا۔ چین نے گہرے سمندر میں تیل اور گیس کے آلات کی ترقی میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ پیر کی صبح مکمل طور پہ چین میں تیار کردہ IG-2 ڈیپ واٹر جیکٹ کو کامیابی کے ساتھ سمندر میں اتارا گیا۔ یہ جیکٹ پرل ریور ماؤتھ بیسن کے سمندری علاقے میں واقع ایک آئل فیلڈ میں نصب کی گئی ہے۔ چائنا نیشنل آف شور آئل کارپوریشن کے مطابق ایک بار انسٹال ہونے کے بعد IG-2 ڈیپ واٹر جیکٹ 324 میٹر کی اوسط گہرائی پر کام کرے گی۔ واضح رہے کہ جیکٹ کا وزن 37,000 ٹن ہے، جس نے ڈھانچے کی اونچائی، وزن، آپریشنل گہرائی اور تعمیراتی رفتار میں ایشیا کا نیا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے۔ ان جیکٹس کی سمندر کی تہہ میں تنصیب ایک مشکل اور صبر آزما کام ہے۔ IG-2 ڈیپ واٹر جیکٹ کو بحری جہاز سے سمندر کی تہہ تک 300 میٹرز کا سفر طے کرنے میں صرف 1 منٹ کا وقت لگا، جو چینی انجینئرز کی مہارت کا ثبوت ہے۔
चीनी साइंसदान जदीद तरीन फुल बॉडी ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार करने में मसरूफ है। ये रोबोट पचीदा इंसानी रवैयों की नकल करने की भी भरपूर सलाहियत रखते हैं। चीनी साइंसदान जदीद तरीन फुल बॉडी ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार करने में मसरूफ हैं, जो पेचीदा इंसानी रवैयों की नकल करने की सलाहियत रखते हैं। चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस के इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन में इंजीनियर दिमागी सलाहियत रखने वाले रोबोट्स पर काम कर रहे हैं, जो इंसानी असबी सर्कट्स और पट्टों की एक्टिवेशन की नकल तैयार करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे इनकी नकलो हरकत में लचक और दुरुस्तगी की बेमिसाल सतह हासिल की जा रही है। हयातियाती उसूलों से मुतासिर होकर इंजीनियर्स ने जदीद तरीन रोबोट्स को डिज़ाइन किया है, ताकि इंसानों के अंदरूनी मैकेनिज्म और बैरूनी शक्ल दोनों की नकल की जा सके, जो पिछले मॉडल्स के मुकाबले में शानदार कामयाबी होगी। सनती पैदावार, सनत की देखभाल, कस्टमर सर्विस, डिजास्टर रिलीफ और एरोस्पेस सेक्टर में मुमकिन एप्लीकेशंस के साथ ह्यूमनॉइड रोबोट्स का दायरा वसी हो रहा है। इन कामयाबियों को देखते हुए माहरीन का ख्याल है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान नुमा रोबोट्स का वसी पैमाने पर इस्तेमाल जल्द हकीकत बन जाएगा। चीन में नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक मुल्क में काउंटी की सतह पर मरबूत तिब्बी कंसोर्शिया की तरक्की को जारी रखा जाएगा। तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने के हवाले से 2027 तक बुनियादी कवरेज भी हासिल कर ली जाएगी। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक मुल्क में काउंटी की सतह पर मरबूत तिब्बी कंसोर्शिया की तरक्की को जारी रखा जाएगा और निचली सतह तक तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने के हवाले से 2027 के आखिर तक बुनियादी कवरेज हासिल कर ली जाएगी। कमीशन ने हफ्ते के रोज़ कहा कि चीन के बुनियादी सतह के तिब्बी इदारे, बाशुमूल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और टाउनशिप और गांव के क्लिनिक अब मुल्क के कुल तिब्बी दौरों का 52% हैंडल करते हैं। कमीशन ने यह भी कहा कि इस साल वो काउंटी की सतह पर मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल टेस्टिंग, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तशखीस, पैथोलॉजिकल तशखीस और दीगर वसाइल की तामीर को फ़रोग देने पर तवज्जो मरकूज़ करेगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हर टाउनशिप हेल्थ सेंटर में निचली सतह पर खिदमात फराहम करने के लिए काउंटी लेवल के मारूफ हस्पताल में कम अज़ कम एक सीनियर मेडिकल प्रैक्टिशनर ज़रूर मौजूद हो। कमीशन आवाम के लिए अद्वियात की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट चेन में भी निगरानी के अमल को मजबूत बनाएगा। चीन ने IPCC में शमूलियत के बाद आलमी साइंसी जायजे में अहम किरदार अदा किया है। IPCC को इकवाम मुतहदा के माहौलियाती प्रोग्राम और आलमी मौसमियाती तंजीम ने कायम किया। इकवाम मुतहदा का ये इदारा मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में साइंसी रिपोर्ट तैयार करता है। चीन के नेशनल क्लाइमेट सेंटर के एक सीनियर रिसर्च फेलो के मुताबिक चीन ने मौसमियाती तब्दीली के बैनल हुकूमती पैनल IPCC में शमूलियत के बाद से मौसमियाती तब्दीली के आलमी साइंसी जायजे में अहम किरदार अदा किया है। IPCC, जिसे वसी पैमाने पर मौसमियाती तब्दीली की साइंस का जायजा लेने के लिए मुस्तनद तंजीम के तौर पर तस्लीम किया जाता है, को 1988 में अक्वामे मुतहदा के माहौलियाती प्रोग्राम और आलमी मौसमियाती तंजीम ने कायम किया था। अक्वामे मुतहदा का ये इदारा मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में साइंसी, तकनीकी और समाजी और इक्तसादी मालूमात की हालत, इसके असरात और मुस्तकबिल के खतरात के साथ साथ इस शरह को कम करने के इख्तियार के बारे में जामे तशखीसी रिपोर्ट्स तैयार करता है। IPCC की जामे साइंसी तशखीसी रिपोर्ट्स हर 5 से 7 साल बाद शाया की जाती हैं। चीन IPCC के उमूर में मुसलसल फाल तौर पर हिस्सा ले रहा है। चीन में न्यू एनर्जी व्हीकल की सनअत तरक्की की शानदार मनाजिल तय कर रही है। यही वजह है कि इस तरक्की को देखते हुए गैर मुल्की कार साज इदारों ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों में अपनी सरमायाकारी को बढ़ा दिया है। चीन में न्यू एनर्जी व्हीकल की सनअत तरक्की की शानदार मनाजिल तय कर रही है। इस तरक्की को देखते हुए चीन में गैर मुल्की कारसाज इदारों ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों में अपनी सरमायाकारी को बढ़ा दिया है। चीन जहां दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है, NEVs का हिस्सा 30% से ज्यादा हो चुका है। 2023 में मुल्क में NEVs की पैदावार और फरोख्त 9.58 मिलियन और 9.49 मिलियन यूनिट से तजावज़ कर गई, जो साल ब साल बिलतरतीब 35.8% और 37.9% इजाफा है। बहुत से गैर मुल्की ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने इशारा दिया है कि नई तवानाई की गाड़ियां
چین میں اپنی مستقبل کی حکمت عملیوں میں تیزی سے اہم کردار ادا کریں گی۔ ایک سرکردہ جرمن کارساز کمپنی کے مطابق اگلے 3 سالوں میں چین میں متعارف کرائے جانے والے 40 ماڈل میں سے بین الاقوامی آٹومیٹو پارٹس مینوفیکچرز بھی تیزی سے بڑھتی ہوئی NEV صنعت میں چین کی سرکردہ قوت کے پیش کردہ مواقع سے آگاہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک معروف جرمن کمپنی چین میں 50 بلین یوان کی سرمایہ کاری کر چکی ہے۔ معاشی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ماہرین ماحولیاتی تحفظ میں بھی چین کی NEV صنعت کے تعاون کو تسلیم کرتے ہیں۔ چین کے شہر ووہان میں جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل افراد کے لیے 8,000 سے زیادہ ملازمتیں فراہم کی گئیں۔ ہفتے کے روز وسطی چین کے صوبہ اوبے کے ووہان شہر میں ایک جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا، جس میں یونیورسٹی سے فارغ التحصیل افراد کے لیے 8,000 سے زائد ملازمتیں فراہم کی گئیں۔ ووہان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں 4,000 سے زائد یونیورسٹی گریجویٹس کو نوکریوں کی تلاش کے لیے راغب کیا گیا۔ میلے میں پیش کیے جانے والے ملازمت کے مواقع وسیع پیمانے پر شعبوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ جاب فیئر میں آجروں کے لیے بھی ایک خصوصی علاقہ قائم کیا گیا تاکہ وہ ملازمتوں کو براہ راست نشریات کے ذریعے ملازمت کے متلاشیوں تک پہنچا سکیں۔ انتظامیہ کی جانب سے جاب فیئر میں دیگر ذاتی خدمات بھی فراہم کی گئیں، جن میں ریزیوم پرفیکشن، کیریئر گائیڈنس اور پالیسی مشاورت سمیت دیگر معاملتیں شامل تھیں۔ سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقہ ابھرتی صنعتوں کے کلسٹرز کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ سنکیانگ نے 2022 میں 10 بلین یوان کا ٹیلنٹ فنڈ قائم کیا تھا۔ صنعتی ترقی کے لیے الگ سے 10 بلین یوان بھی مختص کیے گئے تھے۔ جدت پر مبنی ترقی کی قومی حکمت عملی کے بعد چین کا شمال مغربی سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقہ نئی معیاری پیداواری قوتیں تیار کرنے کے لیے اسٹریٹجک ابھرتی ہوئی صنعتوں کے کلسٹرز کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر شی جن پنگ کے مطابق نئی معیاری پیداواری قوتیں اعلیٰ درجے کی پیداواری صلاحیت کو کہتے ہیں جو روایتی اقتصادی ترقی کے موڈ اور روایتی پیداواری ترقی کے راستوں سے آزاد ہوں، اور یہ ہائی ٹیک، اعلیٰ کارکردگی اور اعلیٰ معیار کی حامل ہوں۔ سنکیانگ کے دارالحکومت ارمچی کے شمال میں واقع گان کوامپو اکنامک اینڈ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ زون 100 سے زائد معروف کمپنیوں کا گھر ہے۔ ان میں سے ایسی ہی ایک کمپنی نے مسلسل تکنیکی ترقی کی بدولت اپنے سولر پینلز کے معیارات کو نہایت بلند کیا ہے۔ آج اس کمپنی کی تمام پروڈکشن لائن سولر پینلز کا 1 بلین یوان سے زائد مالیت کا آرڈر تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ سنکیانگ نے 2022 میں 10 بلین یوان کا ٹیلنٹ فنڈ قائم کیا تھا اور صنعتی ترقی کے لیے الگ سے 10 بلین یوان مختص کیے تھے۔ ان فنڈز کا مقصد سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں حاصل کردہ کامیابیوں کو صنعتی شعبے میں استعمال کرنا تھا، جس کے شاندار نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ کاشگر ریجن میں کسٹمز انتظامیہ نے صارفین کی آسانی کے لیے نیا ماڈل متعارف کروا دیا۔ نئے ماڈل کی وجہ سے سامان تجارت کی نقل و حمل مزید ہموار اور باسہولت ہو گئی۔ اس طریقے کار میں سامان کو روانگی کے مقام سے ہی کسٹم کلیئرنس دی جا رہی ہے۔ چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے شہر کاشگر ریجن میں کسٹمز انتظامیہ نے ایک نیا ماڈل متعارف کرایا ہے، جس کی وجہ سے سامان تجارت کی نقل و حمل مزید ہموار اور باسہولت ہو چکی ہے۔ اس طریقہ کار میں سامان کو روانگی کے مقام سے ہی کسٹم کلیئرنس دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وقت اور وسائل کی بہت زیادہ بچت ہو رہی ہے۔ یہ عمل ملک بھر میں کسٹم کلیئرنس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے چین کی کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ براہ راست کنیکشن ماڈل جو بگ ڈیٹا اور انٹرنیٹ آف تھنگ جیسی ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے، سمارٹ نگرانی، سمارٹ کنٹرول اور سمارٹ گورننس کو فروغ دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ کاشگر پورٹ پر پہنچنے سے لے کر سرحد سے نکلنے تک ایک مال بردار ٹرک کو اب 6 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ ماضی میں اس عمل میں 3 سے 5 دن کا وقت لگتا تھا۔ چیکنگ کے عمل کو 16 طریقہ کار سے گھٹا کر 7 کر دیا گیا ہے۔ کاشگر کسٹمز کے اس نئے ماڈل کے نفاذ سے شاہراہ ریشم اکنامک بیلٹ کے بنیادی علاقے کی ترقی میں مزید کردار ادا کیا جا سکے گا۔ چین کے شیزوانگ خود اختیار علاقے میں دیہی سیاحت سے خوشحالی کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ایسا ہی ایک گاؤں نینگچی شہر کا گالا گاؤں ہے، جو دیگر دیہات کے لیے ایک مثال بن چکا ہے۔
चीन के शिजांग खुद इख्तियार इलाके में दही सियाहत से खुशहाली की तरफ सफ़र की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। ऐसा ही एक गांव नेंगची शहर का गाला गांव है, जो दीगर देहात के लिए एक मिसाल बन चुका है। इस गांव में 1000 से ज़ायद जंगली आड़ू के दरख्त मौजूद हैं। जब मार्च और अप्रैल में इन दरख्तों पर फूल खिलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हर तरफ गुलाबी रंग का समंदर बह रहा है। चीन के अव्वलीन शानदार देही सियाहती देहात में से एक के तौर पर नामजद गाला गांव ने अपने कुदरती असासों को एक इक्तसादी इंजन के तौर पर इस्तेमाल किया है। गांव में आड़ू चुनने, सैर व तफरी, स्नैक्स और फोटो शूटिंग टूर सर्विसेज की मदद से देहातियों की मजमुई आमदनी 13 मिलियन युआन सालाना तक पहुंच गई है। अपने कुदरती हुस्न से बेहतर तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए हर साल यहाँ पीच ब्लॉसम टूरिज्म कल्चरल फेस्टिवल मुनक्कित किया जाता है। रवां बरस इस त्यौहार का 21वां एडिशन है। इस मौके पर सियाहों की आमद की वजह से होटलों में बुकिंग मिलना मुश्किल हो जाता है। रवां बरस शिजांग में देही सियाहत ने सिर्फ जनवरी और फरवरी के महीने में 7,30,000 से ज़ायद सियाहों को राग़िब किया, जिससे तकरीबन 115 मिलियन युआन की आमदनी हुई। चीन के दरिया चियांगतोंग में दरख्तों के नक्श देखने वालों को रुकने पर मजबूर कर देते हैं। मार्च के महीने में कुदरती अमल अपने अरूज पर होता है। इस दौरान रेत से वापस जाने वाले पानी की मौजें अपने पीछे शानदार नक्शो निगार छोड़ती हैं। मशरकी चीन के दरियाए चियांगतोंग में आबी लहरों से दरिया के ताज पर कुदरती तौर पर बनने वाले दरख्तों के नक्श देखने वालों को रुकने पर मजबूर कर देते हैं। मार्च के महीने में ये कुदरती अमल अपने उरूज पर होता है। मार्च में दरिया का धारा कम चौड़ा हो जाता है और रेत से वापस जाने वाली पानी की मौजें अपने पीछे शानदार नक्शो निगार छोड़ जाती हैं। कुदरती तौर पर रेत पर तराशे हुए समंदरी दरख्त सियाहों और फोटोग्राफरों को दरिया के किनारे की तरफ रागिब करते हैं, ताकि वो इस बेमिसाल कुदरती मंजर की तस्वीर कशी कर सकें। सियाहों के मुताबिक दरियाई ताज पर उभरने वाले कुदरती मनाजिर आँखों को कहीं ये ब्रश पेंटिंग्स की तरह नज़र आते हैं और कहीं हाथ से तराशे हुए मुजस्मों की तरह। एक सियाह के मुताबिक वो जंगल और ड्रैगन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आज उन्होंने एक जगह मेंढक की छवि भी देखी। माहरीन के मुताबिक टाइडल फ्लैट वो इलाके हैं जहां ज़मीनी माहौलियाती निज़ाम और आबी माहौलियाती निज़ाम आपस में मिल जाते हैं। इन पर साइंसी तहकीक व तरक्की का अमल भी साथ साथ जारी रहता है। जहाँ वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में रिन्यूएबल एनर्जी और CPEC के दूसरे मरहले के हवाले से सेमिनार का इनेकाद हुआ। माहरीन का कहना था कि काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे मुल्क के मुस्तकबिल के महफूज होने के जामिन होंगे। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के तहत पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे मुल्क के मुस्तकबिल के महफूज होने के जामिन होंगे। ये कहना था इस्लामाबाद में रिन्यूएबल एनर्जी और CPEC का दूसरा मरहला के हवाले से मुनक्कदा सेमिनार में शामिल माहिरीन का। शुरका से खिताब करते हुए इस्लामाबाद में चीनी सिफारतखाने के अहदेदार वेंग सीता ने कहा कि चीन को माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए किए जाने वाले कामयाब इकदामात की बदौलत पूरी दुनिया में नुमायां मकाम हासिल है और गुज़िश्ता कई सालों से चीन और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा तआवुन से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव CPEC के तहत माहौल दोस्त, शफाफ और सस्ती तवानाई के 14 मनसूबे लगाए जा चुके हैं, जिससे 8,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली हासिल हो रही है। China and Pakistan should promote the CPEC construction, which takes a role of green and low carbon development, and better link with the Green Silk Road, with the Free Pakistan Initiative. We should focus on the resource conservation and the environmental production, strengthening the cooperation in the green investment, green infrastructure, and the disaster prevention, and encourage more Chinese enterprises participate in the renewable energy project in Pakistan, including the wind power and the photovoltaic power. I'm quite confident that with the joint effort of both China and Pakistan, and take the good advantages of both the Chinese modernization and the CPEC phase 2, and also with the wisdom with all the guests participate today,
China and Pakistan to reach more achievements in the new renewable energy cooperation and make a brighter and cleaner future for our next generation. साबिक डायरेक्टर सीपैक हसान दाऊद बट्ट ने इस मौके पर कहा कि सीपैक के तहत या पाकिस्तान और चीन के दो तरफा तआवुन से जारी दीगर तवानाई के मंसूबों से मुल्क की मजमूई तवानाई की पैदावार में इस्तेहकाम आया है। 2013 was the greenest year for Belt and Road Initiative, and during this year about 56% of the energy projects under BRI around 8.61 billion were done with solar, wind, hydro and coal. I think we need to now work on perhaps facilitating the CPEC phase 2. I was so surprised that in a Western democracy they spoke about Qaid Azam Solar Park as one of the great achievement of project. So I think in Pakistan we should also engage in similar debates and highlight how great potential of CPEC is, because Qaid Azam Solar Park in itself, the size and the support, 1000 megawatt is not any less energy that we need. चीन में पाकिस्तान के साबिक सफीर मोइनुल हक ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि दुनिया भर में चीन माहौल दोस्त तवानाई में सरमायाकारी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और स्मार्ट बैटरीज की सनत में सबसे नुमाया है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के काबिल तजदीद तवानाई के सफर पर चीन हमारे साथ खड़ा है। Involve various sectors, various concepts. So the Green Corridor is about agriculture modernization, sustainable farming, smart irrigation. It is about food security. It is of course about environmental protection and climate change, but also about protecting our ecology, our biodiversity, the issues of desertification, deforestation. सेमिनार के शुरका ने पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी के मंसूबों की फालियत में मकामी माहौल और समाजी बहबूद के शोबे को तरजीह देने पर चीनी कंपनियों के इकदामात को सराहा। शुरका का कहना था कि मुल्की मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए ऐसे मंसूबों की कामयाबी में मकामी आबादी की इन में नुमाया शमूलियत बेहद जरूरी है। हालिया बरसों में रवायती चीनी लिबास को दोबारा मकबूलियत मिली है। हानफू नामी लिबास नौजवानों में खास तौर पे बहुत मकबूल हुआ है। हानफू लिबास से मुतालिक मजीद जानते हैं 100 सेकंड्स में। सेकंड में चीन से जुड़े हर टॉपिक पर एक नजर डालते हैं। आज हम बात करेंगे चीनी रिवायती लिबास हानफू और इससे जुड़े कारोबार से मुतालिक। हालिया बरसों में रिवायती चीनी लिबास को दोबारा मकबूलियत मिली है, और हानफू कदीम चीनी सकाफत की इलामत के तौर पर खास तौर पर नौजवानों में बहुत मकबूल हुआ है। आज नौजवानों की बड़ी तादाद हानफू पहनकर रिवायती चीनी सकाफत की दिलकशी और खूबसूरती को जाहिर करती है। हानफू बिलाशुबा खूबसूरत लिबास है जिसमें शानदार कढ़ाई, चमकदार रंग और खूबसूरत डिजाइन है। क्लासिकी चीनी बागात में रिवायती मलबूसात में मलबूस नौजवान लड़कियां चीनी रिवायती सकाफत की दिलकशी को जाहिर करते हुए खूबसूरती से मुख्तलिफ पोज में तस्वीर बनवाती है। हानफू इंडस्ट्री की तरक्की की वजह से रिवायती चीनी मेकअप, फोटोग्राफी, किराए पर मलबूसात और रिवायती चीनी अंदाज की शादियों की मांग में नुमाया इजाफा हुआ है। चूंकि कुछ शानदार हानफू निस्बतन महंगे होते हैं और उन्हें बनाने में काफी वक्त लगता है, इसलिए हानफू को किराए पर लेने का कारोबार उभर रहा है। इसके अलावा हानफू से जुड़े दीगर शोबे जिनमें मेकअप, स्टाइलिंग सर्विसेज और फोटोग्राफी की खिदमत भी शामिल हैं, मकबूल मॉडल हैं। चीन के खूबसूरत सियाहती मकामात पर हानफू फोटोग्राफर और मेकअप आर्टिस्ट मसरूफ तरीन पेशे बन गए हैं। 2023 में चीन की हानफू मार्केट तकरीबन 15 बिलियन युआन तक पहुंच गई। क्योंकि लोग रिवायती सकाफत को ज्यादा पसंद करते हैं, इसी बाइस हानफू एनिमेशन और फिल्मों जैसी सकाफती मसनुआत भी ज्यादा से ज्यादा जारी की गई हैं। तवक्कु है कि हानफू मार्केट का पैमाना मजीद बढ़ता रहेगा। मोनाको के सर ब्राय मुमलिकत प्रिंस अल्बर्ट दोम सरमायो ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर बीजिंग पहुंचे। उन्होंने चीनी सदर से मुलाकात की। शी जिनपिंग ने प्रिंस अल्बर्ट के बच्चों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ये सदर शी जिनपिंग से उनकी छठी मुलाकात थी। Happy Chinese New Year. Can I keep that? Yes, of course. You know, can I ask you a big favor?
Can I do a second one? Because sure, I have twins. 我听说这一次准备回去给孩子带一个冰墩墩双胞胎嘛得有两个是吧带给你的孩子也向他们致以祝福让他们今后呢也能够对冰雪运动感兴趣 I hope that you saw from his unke chehre se garmjoshi aur dostana jazbaat jhalakte hain wo mere saath bahut aaramdeh mehsoos karte hain main kehna chahta hoon ki ye purane doston ki dobara mulaqat ka ehsaas hai meet an old friend republique populaire 2014 सोची सरबई ओलंपिक शी जिनपिंग की बतौर चीनी सदर अल्बर्ट डोम के साथ पहली मुलाकात थी इसी साल अगस्त में अल्बर्ट डोम नानजिंग यूथ ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए चीन आए उन्हें पता चला कि शी जिनपिंग फुटबॉल के शौकीन हैं 2018 में दौरे चीन के दौरान अल्बर्ट डोम ने शी जिनपिंग को मोनाको क्लब की एक जर्सी दी जिस पर उनका नाम प्रिंट था मैं समझता हूं कि सदर शी को खेलों की अहमियत का बखूबी अदराक है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ बीजिंग 2022 सरमाई ओलंपिक्स के इनेकाद की हिमायत की बल्कि चीनी आवाम के खेल कूद में हिस्सा लेने की भी हौसला अफजाई करते हैं अल्बर्ट डोम के दौरे चीन के 6 माह बाद शी जिनपिंग ने मोनाको का जवाबी दौरा किया ये 70 साल से ज्यादा अरसे में चीन के किसी भी आला तरीन रहनुमा का मोनाको का पहला दौरा था ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि ये चीनी सदर की जानिब से मोनाको का पहला दौरा है ये एक बड़े मुल्क और दुनिया के ताकतवर ममालिक में से एक के सरबराह का मोनाको का पहला दौरा है सदर शी जिनपिंग बड़े और छोटे ममालिक के साथ ताल्लुकात को मसावी अहमियत देते हैं उनकी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर तवज्जो मेरे लिए काफ़ी मुतासर कुन है मोनाको में सदर शी और अल्बर्ट डोम ने कई मौजूदात पर बातचीत की जिनमें जंगली हयात का तहफ्फुज भी शामिल था अल्बर्ट डोम गुज़िश्ता कई बरसों से अपनी फाउंडेशन के जरिए साइबेरियन शेरों के तहफ्फुज का मंसूबा चला रहे हैं मुझे सदर शी जिनपिंग और चीनी हुकूमत के माहौल को बेहतर बनाने के आज़्म और ख्वाहिश ने खास तौर पर बहुत मुतासर किया non seulement l'état de la Chine d'un point de vue environnemental मैं बनी नौ इंसान के हम नसीब मुआशरे के तसव्वुर से वाकिफ हूँ इंसानियत के मुस्तकबिल की परवाह बहुत अच्छी तजवीज़ है जो चीनी सदर शी जिनपिंग की दूरंदेशी को साबित करती है Là aussi, cela prouve que le président Xi Jinping a une vision qui va loin dans le temps. जहां वक्त है ब्रेक का देखते रहिए GNN. वेलकम बैक हवाई अड्डा जदीद दौर में लोगों की ज़िंदगी में बहुत से अहम मनाजिर का गवाह होता है रवानगी आमद अलविदा दोबारा मिलना ये मनाजिर रोज़ाना हवाई अड्डों पर दिखाई देते हैं जदीद टेक्नोलॉजी से लैस एयरपोर्ट का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में हवाई अड्डा
जदीद दौर में लोगों की जिंदगियों के बहुत से अहम मुनाजिर का गवाह होता है। रोंगी, आमद, अलविदा, दोबारा मिलना, ये मुनाजिर रोजाना हवाई अड्डे पर दिखाई देते हैं। बीजिंग ताशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर 26 दिसंबर साल 2014 को शुरू हुई और ये 25 सितंबर साल 2019 को बाज़ाब्ता तौर पर फ़ाल हुआ। ताशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुसाफिरों के लिए बहुत सी सहूलियात फराहम की जाती हैं। मैं हूं तपसल और मैं हूं रजवान अब्बासी। इस वक्त हम बीजिंग ताशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मौजूद हैं। और तबसम साहिबा, इस एयरपोर्ट को अगर आप एरियल व्यू लें तो एक स्टार फिश की तरह इसका जो डिज़ाइन है वो बनता है। और इंटरनली भी अगर हमने देखा कि ये जो एयरपोर्ट है ये काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी खुला है और काफ़ी इनोवेटिव इसका डिज़ाइन है। जी बिल्कुल। और क्या आपने हमारे पीछे ये जो कॉलम्स को देखे हैं? जी, ये जो कॉलम्स हैं ये तो इसका लैंडमार्क है जी, और इनकी जो वीडियोज हैं काफ़ी सारी वो भी इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होती रहती हैं। जी बिल्कुल। जब ताशी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जिक्र किया जाए तो हमारे जहन में ज़रूर ऐसे जो आर्ट कॉलम्स की शिगल नज़र आती है। और दरअसल ये न सिर्फ खूबसूरती के लिए है बल्कि ये जो टर्मिनल बिल्डिंग की बुनियादी ढांचा को भी सपोर्ट करते हैं। और आप देखें, खुसूसी डिज़ाइन की वजह से जो टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर बहुत सी रोशनी है। अच्छा, रोशनी के अलावा ये जो आप कॉलम्स के नीचे खड़े होकर देखेंगे तो इन कॉलम्स की शक्ल जो है ना, वो एक पेटल की तरह, एक फूल की पत्ती की तरह आपको नज़र आएगी। और दूसरा, आपने रोशनी की बात बड़ी अच्छी की कि एक तो यहाँ से रोशनी आती है जी, नेचुरल लाइट, और ये जो सारा एरिया है ये नेचुरल लाइट से ही मुजयन है। और इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि जो आर्टिफिशियल लाइट है उससे बचकर आप नेचुरल लाइट को यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और बेशक ये टर्मिनल बिल्डिंग है बहुत खूबसूरत और शानदार दिखाई दे रही है, और इसके साथ साथ इसमें जो मुसाफिरों के लिए बहुत सी जो जदीद टेक्नोलॉजी भी काम कर रही है। और आज हम इसी टेक्नोलॉजी की, इन्हीं इनोवेटिव फैसिलिटीज़ की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। जी, अच्छा, इनोवेटिव फैसिलिटीज़ की हमने बात की तो मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर कोई ऐसी मशीन भी है कि जिसके ज़रिए आप खुद से सेल्फ चेक इन कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए हमारे पास ये मशीन है, इन मशीन की मदद से हम खुदकार तरीके से चेक इन कर सकते हैं। अच्छा, और इसका क्या प्रोसेस होता है? आप देखिए, यहाँ आप आईडी कार्ड को या पासपोर्ट को स्कैन करके फिर स्क्रीन पर जो इंस्ट्रक्शंस पर अमल करें और फिर भी हम न सिर्फ खुद को चेकिंग कर सकते हैं बल्कि अपने सामान को भी चेकिंग कर सकते हैं। अच्छा, और इस तरह तो फिर मुसाफिरों का बहुत सारा जो टाइम है वो भी बच जाता है, क्योंकि अब सबसे जो बड़ा मसला होता है हमारे लिए ट्रैवल करते वक्त वो ये होता है कि सबसे पहले हम खुद आके चेक इन करते हैं बड़ी लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर और फिर सामान को चेक इन करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी मशीन्स हैं लेकिन इतनी इनोवेटिव हैं कि ये हमारा इतना ज़्यादा टाइम बचाती हैं, और ये काफ़ी सारी मशीन्स हमें लाइन में नज़र आ रही हैं। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, टेक्नोलॉजी की मदद से हम जो मुसाफिरों के लिए बहुत ज़्यादा वक्त बचाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। जब सामान का जिक्र किया जाए तो हम थाउचाओ स्टेशन यानी ताशिंग एयरपोर्ट सिटी टर्मिनल में अपने सामान को चेक इन कर सकते हैं, और साथ साथ एयरपोर्ट में कंटेनर पर खुदकार तरीके से चेक इन भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस एयरपोर्ट में जो सामान के हवाले से एक और सर्विस भी है? जी बिल्कुल, और इसका नाम है स्मार्ट बैगेज टैग। जी हाँ। अच्छा, और इस स्मार्ट बैगेज टैग के ज़रिए एक तो आप अपना सामान ट्रैक कर सकते हैं और फिर आपको सामान के गुम होने की टेंशन भी नहीं रहती। जी हाँ बिल्कुल। जब हम हवाई जहाज से सफर करते हैं तो हम अक्सर अपने सामान को चेकिंग करने के हवाले से काफ़ी मुहतात होते हैं। ताशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सामान को ट्रैक करने के लिए एक जिनी साख्ता स्मार्ट सिस्टम काम कर रहा है।
लगेज ठाक में लगाई जाने वाली स्मार्ट चिप की मदद से मुसाफिर एयरपोर्ट के एप्लीकेशन के जरिए अपने सामान को बुरवकत चेक कर सकते हैं। सर, हम अब सैम बोस गोफर गड्ढे हुए सिक्योरिटी चेक की तरफ जा रहे हैं। जी, और एक चीज़ मैंने तबस्सुम साहब नोट की है कि ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है लेकिन आपको जगह जगह बड़े वाजे ये जो साइन बोर्ड्स हैं ये दिखाई देंगे। एक चीज़, अब दूसरा ये कि इनका जो स्टाफ है, चाहे वो सिक्योरिटी स्टाफ हो या फैसिलिटेशन या इन्फॉर्मेशन का स्टाफ हो, वो आपके साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं और आपको काफ़ी अच्छी सहूलत देते हैं। हाँ जी, हम प्योगो तो वाजे डायरेक्शन और स्टाफ की खिदमत के साथ हम बहुत सहूलत के साथ सिक्योरिटी चेक से गुजर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। अभी फ्लाइट में काफ़ी ज़्यादा वक्त है, आप कुछ खाना पीना चाहते हैं? अच्छा, खाने वाला आइडिया आपका बड़ा अच्छा है, तो मैं इस तरह से करता हूँ कि आसपास की किसी शॉप से कोई चीज़ ले आता हूँ। ओह नो, स्टोर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम मोबाइल फोन पर ये जो टेक आउट ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड। जी हाँ, ताशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शॉपिंग स्टोर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। इस एयरपोर्ट में टेक आउट की सर्विस भी दी जाती है। यहाँ सिंगशन सोंग नामी एप्लीकेशन के जरिए मुसाफिर शॉपिंग कर सकते हैं और टेक आउट ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के बाद कुरियर आपके ऑर्डर को मुकर्रर जगह पर या डिलीवरी लॉकर तक पहुँचा देगा। आप देखिए, यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स हैं और ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा है ना? जी। अच्छा, ये सारे जो स्टोर्स हैं ये एयरपोर्ट के इहाते में? जी हाँ। अच्छा अच्छा, और ये बड़ा फ़ायदा है उन मुसाफिरों को, क्योंकि मुसाफिर बहुत सारे जो हैं वो कंट्री से यहाँ पे आते हैं, तो उनको खाने की बड़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है। जी हाँ बिल्कुल। हमारा ऑर्डर जो पहुँचाया गया है, तो हम डिलीवरी लॉकर की तरफ जाएं? जी बिल्कुल, चलते हैं। चले। अच्छा, वैसे तो ताशिंग एयरपोर्ट पर जदीद ज़माने की सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, लेकिन एक चीज़ मैं सोच रहा था जी? वो ये कि फ़र्ज़ करें कोई ऐसे मुसाफिर हैं जिनको ये टेक्नोलॉजी यूज़ करनी नहीं आती, जैसे बूढ़े हैं या बच्चे हैं, तो वो ये सारी सहूलतें कैसे इस्तेमाल करें? इसका हल भी है, ताशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बच्चों के लिए हाथ सर्विस भी दी जाती है। अच्छा, वाओ। ताशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मुख्तलिफ मुसाफिरों के लिए खुसूसी सर्विस भी दी जाती हैं। इन मुसाफिरों के लिए जिन्हें चीनी जबान नहीं आती, एयरपोर्ट में मुख्तलिफ जबानों में रहनुमाई फराहम की जाती है। बजट या बुरहे जो अकेले सफ़र कर रहे हों, एयरपोर्ट का स्टाफ उनको फ्लाइट तक पहुँचने में मदद करता है। ये तमाम खुसूसी खिदमत एयरपोर्ट वेबसाइट या एप्लीकेशन के जरिए बुक की जा सकती है। बीजिंग का ताशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट यकीनन दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। आप इसका स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, इसकी फैसिलिटीज़ देख लें, इसकी सर्विसेज देख लें, ये कई हवालों से आपको मुतासर करेगा। जी हाँ, अब पाकिस्तान से ताशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक फ्लाइट भी है। अगर आपको मौका मिले, आप ज़रूर ताशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफ़र करें और आप ये सफ़र यकीनन ज़रूर इंजॉय करेंगे। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट jnnhd.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।